डिस्टेंस एम बी करें या रेगुलर एम बी ए। मैंने काफी स्टूडेंट्स को और अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज को ये बात करते सुना है कि समझ नहीं आ रहा है रेगुलर से एम बी ए करना चाहिए या डिस्टेंस से। इसमें मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं, रेगुलर एम बी ए अच्छा होता है, पर कैसी परिस्थितियों में और सिचुएशन में आप ऑनलाइन एम बी ए या डिस्टेंस एम बी ए कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाएंगे। जरा ध्यान से सुनेगा। मार्केट में तीन तरीके की एम बी ए अवेलेबल है, ऑनलाइन एम बी ए, डिस्टेंस एम बी ए और रेगुलर यानी फुल टाइम एम बी ए। सबसे पहला है ऑनलाइन एम बी ए। जैसा कि नाम ही खुद बता रहा है, इसमें सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, आपकी क्लासेस भी और एग्जाम्स भी। ये एम बी ए सबसे ज्यादा अफोर्डेबल यानी किफायती होती है, इसमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, यानी कि आप मालिक रहेंगे, जहां से मन किया अपने क्लासेस ले ली। इसमें रेगुलर एमबीए जैसा ही करिकुलम होता है, यानी किताबें और सब पढ़ाई लिखाई सब कुछ एक जैसा। इसमें एडमिशन बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि ऑनलाइन एमबीए में कोई खास मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता और इसे आप नौकरी के साथ साथ धीमी रफ्तार में कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस एमबीए की तरफ। ये भी ऑनलाइन एमबीए की तरह काफी ज्यादा किफायती होती है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अपनी मनपसंद की नौकरी कर रहे हैं, उन्हें बस एक एमबीए डिग्री चाहिए, वो रास्ते खोलने के लिए जो एमबीए करने के बाद ही खुलते हैं। हर कंपनी की अपनी गाइडलाइन होती है जो आपको डिस्टेंस एमबीए करने की सुविधा देती है। उसका भी एक समझौता या कहें तरीका होता है जो हर कंपनी का अलग होता है। डिस्टेंस एमबीए में किताबें आपके पास खुद से घर आ जाएंगी और एग्जाम्स भी पास के किसी सेंटर में जाकर देने होंगे। इसमें खामी बस यही है कि आप नेटवर्किंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब नेटवर्किंग क्या बला है? नेटवर्किंग बला नहीं, वरदान है। इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो मान लीजिए मैं आपसे किसी पार्टी में नाचते गाते मिला, मुझे उड़ती उड़ती खबर आई कि आप अमेज़न के मालिक हैं। अब मैं आपके पास आया, आपसे हाय हेलो किया, अब आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा मालिक नौकरी लगवा दीजिए, तो आपने मेरी अमेज़न में नौकरी लगवा दी। इसे नेटवर्किंग कहते हैं। अब है आपके पास तीसरा ऑप्शन, फुल टाइम एमबीए या कहें रेगुलर एमबीए। ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आपने फिलहाल में ही ग्रेजुएशन खत्म की है। इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको इसमें घर से निकलकर कॉलेज जाकर ही सब कुछ करना होगा, क्लासेस भी और एग्जाम्स भी। यही इसका बेस्ट पार्ट है, क्योंकि एमबीए का असली मजा इसी में ही है। कहते हैं 2 साल एमबीए में लोगों की पर्सनैलिटी निखर के आती है। आप उन 2 सालों में इतना बिजी रहते हैं और इतना काम करते हैं कि जब आप बाद में नौकरी करते हैं तो आपको आसान लगता है। इसमें पढ़ाई लिखाई बड़े विस्तार से कराई जाती है। मान लीजिए एमबीए के क ख ग सब कुछ बताया जाएगा, और इस 2 साल के प्रोग्राम में इंटर्नशिप भी होता है, जिसमें आपको सब कुछ पता चलता है कि सब कुछ काम कैसे करता है। रेगुलर एमबीए में नेटवर्किंग बड़ी अच्छी होती है। नेटवर्किंग याद है ना, आप अमेज़न के मालिक हैं, मैं आपसे पार्टी में नाचते गाते मिला था, फिर मैंने आपसे नौकरी मांगी, आपने लगवा दी थी, बस वही। अब हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन पर। अभी आपकी जरूरत या परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्या सही है। रुकिए रुकिए, सबसे खास बात, UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हिसाब से इन तीनों की वैल्यू सेम है, फीस बेशक थोड़ी सी ऊपर ज्यादा हो। एक और बात, ऑल दी वेरी बेस्ट, आप खुद की करोड़ों की कंपनी बनाएं और जहां नौकरी करें वहां से करोड़ों कमाएं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आपकी मदद हुई है तो दूसरों की भी मदद कीजिए, शेयर दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।